सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं. हैप्पी दिवाली टू ऑल. आई एक मिनट पहले ये नीचे रख दो नहीं तो जल जाएगा. सो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो आग है बहुत खतरनाक चीज होती है, तो आप संभाल के दिए जलाइए और मिठाइयाँ बांटिए, कंदिल जलाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन पटाखे मत जलाइए बस. बिकॉज आई एम पटाखा. क्रेडिट गोज टू ऑल द पीपल हु आर सपोर्टिंग मी. मेरे जितने फैंस हैं अभी तो 480,000 के ऊपर फैंस हो चुके हैं, तो उन फैंस को सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया. और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही आप मेरे वीडियोस देखते रहिए. मैं आपको एंटरटेन करती रहूँगी. और मुझे कई ऐसे मैसेजेस या कमेंट्स आते हैं कि वो लोग जिन लोगों से नहीं मिल पाते हैं उनको मैं वहाँ टिकटॉक पर दिखाती हूँ, जैसे मंदाकिनी जी हैं, उनको कितने सालों से कई लोगों ने नहीं देखा है, तो मैं उनके साथ वीडियो डाल करके उन तक पहुंचाती हूं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है. सो आई एम रियली वेरी हैप्पी. करियर में क्योंकि एक हर एक चीज़ का एक जॉनर है, जैसे मेरा जॉनर है इंटरव्यू. मैं इन लोगों से इंटरव्यू करती हूं, मैं उन लोगों से इंटरव्यू करती हूं और जो मेरे साथ जो ज़्यादा क्लोज है उनके साथ थोड़े वीडियोज़ बना लेती हूं, थोड़े फ़नी वीडियोज़ बना लेती हूं, तो लोगों को हंसाने का काम है. तो आई थिंक इससे थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ता है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर टैलेंट. जब मेरे खुद के जो पर्सनल वीडियोस भी डालती हूँ जो एक्टिंग वाले हैं या थोड़े इमोशनल वाले हैं, तो उस पर भी काफ़ी सारे लाइक्स आते हैं. तो आई एम रियली हैप्पी कि मुझ में थोड़ा सा टैलेंट है. एक तो प्रोजेक्ट है जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, तो उसकी जो घोषणा है मैं बहुत जल्द करूँगी. बट जो अभी एक फ़िलहाल जो शूटिंग चल रही है खली बली की, उसकी जो बॉम्बे का जो शूट था वो फिनिश हो चुका है. अब लखनऊ का शूट बाकी है, तो बस हम बस जल्द लखनऊ जाएंगे, तो आपको भी ज़रूर बुलाएंगे. बचपन की यादें तो बहुत है दिवाली की, बिकॉज दिवाली हमारे लिए ऐसा त्यौहार था कि नए कपड़े मिलेंगे, बहुत सारा खाने को मिलेगा, नाश्ता मिलेगा, तो हम लोग वेट करते थे और हर साल मिलता था, ऐसा नहीं था. लेकिन दिवाली के जो स्पेशल खाने, स्पेशल जो व्यंजन होते थे, स्पेशली जो मठिया कहते थे हम लोग जिसको, मटके इससे बनती थी, मुझे बहुत पसंद है, वो मैं बहुत खाती हूँ. और गुजिया जो मीठा होता है मुझे बहुत पसंद है, तो वो मैं बहुत वेट करती हूँ कि कब वो दिवाली आए, ये सब नाश्ते बने और मैं खाऊँ. फिलहाल तो ऐसी हाल है कि मैं कुछ सूंघ भी लूँ तो मोटी हो जाऊँगी, इसलिए मैं बहुत परहेज कर रही हूँ. बट आई एम स्टिल वेटिंग कि मठिया और गुजिया खाने मिले. और मैं सबसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि पटाखे ना जलाएं, बिकॉज उससे पोल्यूशन तो होता ही है. नॉइस हो, लैंड हो, एयर हो, सब जगह से पोल्यूशन होता है, सबको तकलीफ़ होती है. यहाँ हर एक बीमार, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा लोग बीमार हैं, तो प्लीज़ उनका ख्याल रखें और जहाँ तक हो सके सिर्फ खुशियाँ बाँटें, पटाखे नहीं. थैंक यू.